नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। अब इस कंपनी की बात करें, कल देर शाम इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली अर्निंग्स पेश करी और नंबर्स कैसे थे वो तो मैंने आप सभी के साथ लेट नाइट लास्ट वीडियो में शेयर कर ही दिए थे, लेकिन नंबर्स के बाद क्या होगा इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करा था। सिंपल सा व्यू था कि देखिए स्टॉक के नंबर्स जो उतने खास अच्छे नहीं आए, एक बार रिपीट करूंगा आप सभी के साथ, और स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है ये अच्छी बात है। अगर स्टॉक गिरकर 620 के समथिंग आता है तो वो एक स्टॉप लॉस बन जाएगा और उसके स्टॉप लॉस से आप चाहो तो खरीद सकते हो। और ऊपर की बात करें, अगर गलती से स्टॉक पॉजिटिव रिएक्शन दे जाए और अराउंड 675-680 के आसपास खुले तो वहां प्रॉफिट बुक कर लेना। गिरने के चांसेस ज्यादा थे और वही हुआ है, स्टॉक में गिरावट हुई और वहां पे अगर किसी ने लिया, देखिए 627 का स्टॉक ने लो लगाया है आज, अगर किसी ने खरीदा तो उसने पैसा बनाया, 642 आ गया है। अभी भी फाइनली क्या करें क्या ना करें इसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं IRCTC के कल के क्वार्टरली नंबर्स, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की है, आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो यार फटाफट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का एंड यहां पे आपको भरोसा मिलता है रतन टाटा जी का कि आपका ब्रोकर कहीं नहीं भागने वाला। आजकल ब्रोकर ही भाग जाते हैं फिर परेशान कि भैया हमारा तो पैसा था इसमें क्या करें, तो ये एक आपके लिए कंफर्ट है। एंड वो लोग भागते हैं जिनके पास क्लाइंट्स ही नहीं है, क्योंकि एक ब्रोकर का किससे धंधा बनता है, ब्रोकरेज से। जब क्लाइंट ही नहीं होंगे तो ब्रोकरेज ही नहीं आएगा, तो वो चंपत भी हो जाते हैं कुछ कुछ। तो यहाँ पे आपके लिए 1 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट्स है अपस्टॉक के पास, फास्टेस्ट ग्रोइंग कहीं ना कहीं डिस्काउंट ब्रोकर हैं, तो ये बढ़िया लगता है। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में लिख के जाइए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए अपना और ट्रेड स्टार्ट कीजिए। अब IRCTC के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स को समझने में कुछ लोगों को गलती हुई। कंपनी का जो बाजार का अनुमान था अराउंड 260 करोड़ के प्रॉफिट का था, कंपनी ने 280 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा, लेकिन फिर भी स्टॉक गिर रहा है क्यों, चलिए समझते हैं। 260 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 214 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ आया ईयर ऑन ईयर बेस पे। बाजार का अनुमान 260 करोड़ का था, फिर भी ये स्टॉक गिरा है वो इसलिए क्योंकि यहां पे एक एक्सेप्शनल आइटम था। और मैं हमेशा कहता हूं अगर कहीं पे एक्सेप्शनल आइटम है तो उसको पहले हटाओ नंबर्स में से, फिर देखो कि नंबर कैसे हैं। और एक्सेप्शनल जो प्रॉफिट था वो था 26 करोड़ का। अब 280 करोड़ में से अगर 26 हटाऊंगा मैं 26 करोड़, तो बचा प्रॉफिट 254 करोड़ का, बाजार के अनुमान से स्लाइटली कमजोर रह गया। यहां तक मुझे चलो कोई इशू नहीं था, लेकिन जब मैंने मार्जिन देखे और कामकाजी मुनाफा देखा, ये दोनों भी डाउन थे, तो फिर मुझे लगा बस स्टॉक नीचे आ सकता है। और स्टॉक का टेक्निकल बेसिस पे जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से स्टॉक कह रहा है कि अगर मैं नीचे आता हूं मुझे खरीद लेना, और एग्जैक्टली वही हुआ है, किसी ने गिरावट में लिया तो पैसा बना और नहीं लिया तो फिर कोई इशू नहीं है। देखिए मेरा तो लॉन्ग टर्म पर्पस से इस स्टॉक को लेकर व्यू बहुत पॉजिटिव है, मुझे लगता है एक प्योर मोनोपोली है। IRCTC का केटरिंग बिजनेस बहुत अच्छा है और मार्जिन के गिरने के पीछे का रीजन है जो टिकट बुकिंग का कारोबार है उससे इनके मार्जिन आते हैं बहुत अच्छे। बट अभी क्या है कि जनरल टिकट बुकिंग ऑनलाइन है, सॉरी जनरली टिकट आप बुक कर सकते हो, खरीद सकते हो जाके, पहले वो नहीं था, तो उसके चलते इनका मार्जिन में गिरावट आई है। बट नो डाउट इसको कंपनी एडजस्ट कर लेगी, कंपनी बहुत तेजी से अपने आप को विस्तार कर रही है, बढ़ा रही है, और ये इसके फंडामेंटल्स बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पस से कोई इशू नहीं है। स्टॉक वैल्यूएशन वाइज 54 के पीई पे, एक जमाने में 300 के पीई पे चला गया था स्टॉक और तब भी लोग खरीद रहे थे। सारे के सारे रेलवे स्टॉक भागे हुए हैं इसे छोड़कर, खरीद के रखिए इस स्टॉक को, बेचने की कोई जल्दबाजी ना करें। 680 तक मुझे लगता है स्टॉक आपके लिए आने वाले समय में जल्दी ही आता हुआ दिखेगा, और लॉन्ग टर्म पर्पस से मुझे लगता है स्टॉक 750-800 रुपए के कैंडिडेट भी लेवल्स भी आपको कैंडिडेट बनता है लेवल दिखाने के लिए। तो स्टॉक नो डाउट आप होल्ड कीजिए, स्टॉक में एग्जैक्टली अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से लेवल्स देखेंगे तो 740 रुपए तक के लक्ष्य आपको दिखेंगे, जो कि कभी भी स्टॉक वहां तक पहुंच सकता है। तो ये ओवरऑल इस समय IRCTC के ऊपर व्यू। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि भैया इन्वेस्टर बने रहें, ट्रेडर्स अपने हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, बट पोजिशनल जिन्होंने कैश में ले रखा है वो बेचे ना, ये कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।